दक्षिण उपचुनाव में गिनती के कुछ ही दिन रह गए हैं। सभी पार्टी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी विधायक प्रत्याशी आकाश शर्मा के लिए चुनाव प्रचार प्रसार करते नजर आए। उन्होंने दक्षिण में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि इस बार दक्षिण की जनता बदलाव चाहती है। एक तरफ निष्क्रिय प्रत्याशी और दूसरी तरफ हमारा युवा सक्रिय प्रत्याशी। जनता इस पर कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और आकाश शर्मा भारी मतों से विजयी होंगे। एक विशाल सभा का आयोजन जिसमें महिलाओं की उपस्थिति सबसे अधिक रही है और ये जो सरकार 11 साल के जो उपलब्धि कहें नाकामी कहें, क्योंकि उपलब्धि तो शून्य है, केवल नाकामी ही नाकामी है। आज आम जनता त्रस्त है, सुरक्षित नहीं है। इसी चंगोरा भाटा में बीएसयू में 3 लोगों की हत्या हो जाती है। इसी के सामने अंतर्राज्यीय बस अड्डा है, वहाँ महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। ये आज कोई सुरक्षित नहीं है और सब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जो हमारी योजनाएं चल रही थी वो सबको एक एक करके बंद करते जा रहे हैं, चला नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति सरकार की है। आम जनता ने यही ठाना है कि सरकार को सबक सिखाना है और उसके लिए 13 तारीख को अधिक से अधिक लोग मतदान करने पहुंचेंगे और ये जो निकम्मी सरकार है उसे सबक सिखाने जरूर मतदान केंद्र में पहुंचेंगे। और आज मुद्दा बना हुआ है निष्क्रिय बनाम सक्रिय, क्योंकि महापौर के रूप में, सांसद के रूप में उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। ऐसे व्यक्ति को क्यों चुने? और भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत ज़्यादा गुटबाजी है जिसका इस चुनाव में भी असर दिखाई दे रहा है।